अभी हम पहले जा रहे हैं ओल्ड टाउन, मोस्टली ज्यादातर लोगों ने देखा होगा वैसे तो, अगर स्टोरीज देख रहे हैं। स्टोरी देख ली भाई, बहुत सारी स्टोरी देख ली, मन नहीं कर रहा पोस्ट करने का भी। व्लॉग बन रहा है गाइस, गाइस व्लॉग बन रहा है। यहाँ पर जो चर्च था अभी, उसके हम फोटोज ले रहे थे, कुछ वीडियोस ले रहे थे, लेकिन जो हमारे साथ दो लड़कियाँ हैं मेघा और गुंजन, उनको इस बात का नहीं पता है कि चाबी हमारे पास है रूम की और उनकी शाम की बस है, और हमारे पास कॉल नहीं कर सकते हम ना, नहीं नेट कॉल, क्योंकि नेट भी नहीं है हम और वो आगे जा चुके हैं, पता भी नहीं है। वो बैठी वेट कर रही है सामने, दिख गए मुझे हाथ कहाँ है ठाकुर तुम्हारे, कोई सेंस है इस बात की? यार ये स्पीड होनी चाहिए एम्बुलेंस की, तभी तो हॉर्न बजाने का मतलब है। ये हम ओल्ड टाउन के पास आ गए हैं, या ओल्ड टाउन के पास में ही ये जो है ये प्रेसिडेंट पैलेस है। ये जैसे पता ही नहीं था हमें। यहाँ सपोर्ट लाइक पोलैंड यूक्रेन को, पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, तो यहाँ पर पुतिन के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं और कुछ स्पेशल मैं दिखाता हूँ यूक्रेन के लिए, सपोर्ट फॉर यूक्रेन, दैट्स हाउ दे आर सपोर्टिंग। क्या चीज़ है यार, इसको पहले ही बार्स के पीछे डाल दिया है, टारगेट के साथ देखो, बुलेट टारगेट। क्या क्या पुतिन क्या मजा आया। और हम आ गए प्रॉपर ओल्ड टाउन में, ओल्ड टाउन। The old town was rebuilt after the Second War. After the Second World War? Yes, because everything was destroyed by the German occupants. Ah. And this is the royals, a royal castle. This one? This one. Okay. It was rebuilt in 1975. Jermak Studio, traditional fair of art and handcraft. Brazil. It's from Brazil? Yeah. ये पैन के दिखाओ भाई। पैन के भाई। क्या कहते हैं इन चीजों को, सुवीनियर। ये दोनों अंदर गए। यार मुझे ये अच्छा दिख रहा है, इसमें ये कैसल ही तो है जो हमने अभी बाहर देखा है, ये वो है प्रेसिडेंट हाउस, और ये कितने का है ये, 69 ज्लोती, इंडियन रुपीस में कितना, 69 ज्लोती, 1400। ओए वापस रख उसे। ये ज्यादा अच्छा था उससे, नहीं ये ज्यादा अच्छा है सच में, चलें अब, चलो बाय बाय बाय। ये क्या है, दो गए, एक तो ये ग्रुप हो गया और ये हो गया शोएब भाई का मेरा। ये हम एक सेकंड रुके, ये है फुल। अब हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल, क्योंकि ये दो बच्चे हैं, इनकी आज बस है, बस तो इनको अभी बस से यूक्रेन जाना है, हमारे तो कल हम आराम से जाएंगे और थोड़ा घूम के। कल हमारी है 11 बजे रात को, 11 बजे कल भी पूरा दिन आराम से घूमेंगे। पिरोगी यहाँ का फेमस चीज जो है पोलैंड में,
कर लिया, मुझे तो अच्छा लगा, केक का टेस्ट अच्छा रहा डम्पलिंग का। अब हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल। भाई उसका फोटो लेनी है, बस आ जाएगी, रुक जाएगी। क्या बस छूट रही है? जा रहे हैं, इनकी बस है अभी शाम में। बाय बाय। तो वो लोग तो जा चुके हैं, हम उन्हें 6-5 बजे के आसपास भेज दिया था, 5 बजे उन्हें कैब करके चले गए थे। अब अराउंड 9 बज रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। तो अभी हमें चलते हुए हमारे फरहान भाई मिले हैं, ये पाकिस्तान से हैं और काफ़ी टाइम उन्होंने पोलैंड में गुजारा, लाइक अराउंड 4-5 ईयर्स। या हाँ, 4-5 ईयर्स यहाँ रहे हैं। और हम केएफसी के लिए जा रहे थे, थोड़ी बातचीत हुई भाई से, भाई ने बोला चलो हम भी साथ चलते हैं। और इधर है, चलो इधर चलो। इधर बर्गर किंग है, इधर केएफसी है, तो यहाँ से ऑर्डर करते हैं बस। आओ शोएब भाई, अब हम जा रहे हैं यहाँ से जो रिवर एरिया है, विस्तुला रिवर है यहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे व्यू पॉइंट हैं और वहाँ बोटिंग काफ़ी, मतलब काफ़ी चीज़ें होंगी, जाके पता लगेगा, देखते हैं अभी। हाँ और इतना लेबस कट करके लगा दिया यहाँ पे। अरे ये लीव्स नकली। हाँ यार ये तो नकली लीव्स हैं, और लेकिन ये तो ओरिजिनल सा लग रहा है। हाँ यार की स्कीम चल रही है यहाँ तो, ये फेक है। नेट ना, पार्टी कोट नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, नेट ना होने की वजह से हम पता क्या कर रहे हैं किसी को। हमें आज, वैसे हमें अभी जो घूमने जाना है, हमने जो देखा था कल, हम ओल्ड टाउन घूम लिए थे, आज हमें रिवर साइड जाना है यहाँ पर, और एक लाइब्रेरी है बहुत काफ़ी अच्छी है वो अंदर से, तो वहाँ जाना है। और उसके बाद फिर किसी रेस्टोरेंट में देखेंगे जो यहाँ का होगा, क्योंकि लोकल फूड और ट्राई करना है। कल खाली डम्पलिंग खाई थी हमने, और बाकी अपना नॉर्मल वही खाया था जो हम रेगुलर खाते हैं। तो यहाँ का ही, मतलब प्रॉपर जो यूक्रेन, मतलब पोलैंड, यूक्रेन जो बोल रहा हूँ वही आता है हमेशा, मतलब होता है ना कि वही निकलता है। तो पॉलिश फूड देखेंगे, पॉलिश क्यूजिन जो प्रॉपर होता है, जो लोग ये व्लॉग देखे हुए इंडिया और आना चाहोगे, हाँ इंडिया वाले, मतलब हाँ इंडिया वाले, पोलैंड आओ, ऑब्वियसली पर पोलैंड आएगा, डंपलिंग ज़्यादा ट्राई करना, बहुत सही है। हाँ डंपलिंग ट्राई करना, और डंपलिंग ना मतलब रेस्टोरों के डिपेंड करता है आप कहाँ जाते हो, तो 30s लोती से 50s लोती तक वेराइटी रहेगी, वो डिपेंड करता है आप कैसे रेस्टोरों में जाते हो ना। ज्लोती अराउंड 1 ज्लोती 20 रुपीज़ का है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आए भाई रिवर, फिर किसी से पूछते हैं आप? नेट है नहीं, पूछ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें घूमना ही तो है, और स्ट्रीट यहाँ घूमने में स्ट्रीट पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो ऐसे घूमते घूमते पहुँच जाएंगे। तो हम रिवर साइड जा रहे थे, लेकिन रिवर साइड से हमें जैसे बाद में हम सोच रहे लाइब्रेरी जाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी हमें पहले ही मिल गई, और जो कि दिख रही है दूर से काफ़ी। हर वॉल पे अलग अलग लैंग्वेज का ऐसे ही कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उधर इंग्लिश, रशियन, फिर ये अरबिक, ये कौन सा लैंग्वेज है मुझे नहीं पता, ये अपनी हिंदी। ओके, शायद हम एंट्री तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो जहाँ पे बुक्स होंगी, लाइब्रेरी वाले पार्ट, जो पार्ट होगा जहाँ पे बुक्स हैं, वहाँ शायद एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि जिनसे पूछा वो कह रही थी कि आपको यहाँ के वार्सो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आईडी कार्ड चाहिए, तो ही एंट्री कर सकते। दिस इज द एंट्रेंस। शोएब भाई चलो। बिल्डिंग में एंट्री करते ही जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें तो है लाइब्रेरी, और जो -1 जो हम नीचे फ्लोर पे आ गए बेसमेंट टाइप है, इसमें है जिम, और जो ऊपर का फ्लोर है उसमें है गार्डन। गार्डन क्या है, अभी बंद पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वरना गार्डन में विदाउट गार्ड एंट्री थी। यहाँ अब लाइब्रेरी के बाहर ये एक गार्डन है जहाँ बताया था एक लेडी ने, तो अभी हम यहीं चलते हैं और देखते हैं। हेलो, भाई बताओ ये क्या चीज़ है?
कुछ खाते हैं यहाँ पे, भूख भी लग रही है। स्लाइस बहुत बड़ी बड़ी है, जितना टेस्टी दिख रहा था ना उतना टेस्टी है नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि ऊपर जो साग सब्जी टाइप है ना, पालक डाला हुआ है ना, पालक का टेस्ट है। पिज्जा में पालक कौन डालता है यार, लेकिन ठीक है, अब भूख लग रही थी। तो गाइस बोला, जैसे बोला था कि रिवर जा रहे हैं हम लोग, तो पहुंच ही चुके हैं ऑलमोस्ट। मैं दिखाते हैं, ये आदमी अच्छा नहीं है, इस आदमी ने बैग नहीं पकड़ा, मेरे हाथ में दे दिया है। भाई तुम लोग देख लेना, सबसे ज्यादा मैंने लिया बैग। यो ब्रो इट्स कोल्ड ब्रो हियर, मुझे पता है ये वीडियो तो बन रही है, डलिंग तो है नहीं। ये जो लड़का है ना, ये इसको डालेगा नहीं, तो मैं करूंगा, ये डालेगा नहीं इसको। क्या बात है, रिवर साइड का व्यू ना, अपना क्या ले रहे हो यार। भाई जगह देखी नहीं, फोटो फोटो क्या करोगे इतनी फोटो का, जगह देख के बोल रहा हूँ। अच्छा क्या करोगे, सब पोस्ट कर दोगे क्या तुम एक ही बार में? सब पोस्ट कर दूंगा, फॉरेन डायरी। चलो जैसा मैंने कहा था, इसे पूरे टाइम बैग नहीं पकड़ा हुआ हूँ। देखो ये आदमी बहुत तेज आदमी है भाई, ये उनको भी स्टूडेंट। ओके ये आ गई हमारी टिकट। हाँ कलेक्शन इस आर्टिस्ट का है और इसी की ये बुक प्रिंट करी हुई है इसकी। लेट मी जस्ट से फ्यू वर्ड्स अबाउट अम्पा। तुम फिर सुनने खड़े हो गए भाई, गाने नहीं बज रहे इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि ये आर्ट जो है हमें ही, मतलब थोड़ा कम इन्हें देखो, ये भी परेशान है, ये बुक खोल खोल के देखे जा रही है क्या है। बात तो सही है। भाई तुम लोगों को दिखाता हूँ समीर भाई कर क्या रहा है। भाई इस आर्ट को देखना चाह रहा है, ये इसमें है क्या भाई, इतना क्या सोच रहे हो समीर भाई, इसमें क्या दिखा आपको ये? उन्होंने बोला कि मॉडर्न आर्ट है। अच्छा ये तो इस तरह स्केल से तो नहीं है, मैं भी खींच सकता। मतलब तुम भी आर्टिस्ट हो? हाँ इतना इससे बड़ा आर्टिस्ट हो यार। एक चीज और है, क्या है? कलर चेंज है पेन का, तो एक में ब्लैक मैं तीन तीन बनाऊंगा और एक कलर यहाँ पर डालूंगा। अच्छा आर्ट है यार ये। ऐसी ये देखो, अच्छा ये चलो फिर भी थोड़ी मेहनत करिए, गत्ता लेके चिपकाया ओहो ऊपर ऐसे लगाया। एक तो हम आर्टिस्ट नहीं है, प्लस जो लिखा है वो पॉलिश में लिखा है, तो हम इस आर्ट को समझे कैसे? तो रहन दो फिर। अब लाइट जलने पर रिवर कितनी अच्छी है। चलो अब हम जा रहे हैं एक मॉल जो यहाँ से पास में ही है। ये बच्चा स्ट्रगल करता हुआ, मोबाइल में लगी हुई माँ, मोबाइल में लगी है, बच्चा गिरने के लिए तैयार है। ये रहा मॉल। चलो फूड कोर्ट देखते हैं यहाँ पे कैसा है। मार्टिनी सोडा टॉनिक एंड मार्टिनी वाइब्रांट। थैंक यू मैन। चलते हैं इस साइड पे, ये क्या है,
तो हम पोलैंड में जितनी जगह थी घूमने की कल और आज में हम काफ़ी घूम लिए. सो बस एंड करते हैं व्लॉग का. होप यू गाइस लाइक द वीडियो. टाटा बाय बाय.